स्टूडेंट्स, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम सेट्स एंड रिलेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेट्स, एज यू नो दैट, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये जो कंसेप्ट है मैथमेटिक्स के, इसका यूज हमें कैलकुलस में बहुत सारा होता है। और कैलकुलस ये मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसमें लिमिट्स, डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कंसेप्ट आपको डिस्कस करने होते हैं, स्टडी करने होते हैं। स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट का जो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो है सेट्स एंड रिलेशंस। हमारे लेक्चर में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो सेट की डेफिनेशन, सेट मींस इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ डेज इन अ वीक, सेट ऑफ स्टार्स इन अ स्काई, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ये सभी सेट के एग्जाम्पल्स है। स्टूडेंट्स, मंथ्स इन अ ईयर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जो भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है उसका जो कलेक्शन होता है उसे हम सेट कहते हैं। स्टूडेंट्स, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। नाउ फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ इवन नंबर, नंबर टू सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, नाउ सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ये कुछ एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स सेट के। सेट ऑफ, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एक्सेट्रा, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। एलिमेंट्स ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। Element of set is denoted by small letters. That is small a, small b, small c, etc. Now, if X is a member of A, ये बेसिक कंसेप्ट से स्टूडेंट सेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट, फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन। Elements of set is denoted by small letter, small a, small b, small c. ये जो set में कुछ elements होते हैं वो small letter से denote करते हैं। Students, if X is a member of A, अगर ये X element है set A का, therefore it is denoted by X belongs to A. इसे कैसे read करते हैं students? Read as and read as X belongs to A. अगर कोई X element है set A का, तो इसे mathematical notation में कैसे denote करते हैं? X belongs to A. Means X is a member of A. Y is not a member of A. Y
why is not a member of E? Therefore, we denote it as Y does not belong to A and read as Y does not belong to A. This is the notation, students. X belongs to A. X belongs to A means X is a member of A. Y is not a member of A means Y does not belong to A. The set hote hai, capital letters se denote karte hai, or member of sets, elements of set, small letters se denote karte hai, student. This is about set and elements of a set. Set of n. N is denoted by set of natural numbers. अगर आपको कैपिटल एन दिखा, that is the notation of set of natural number. Capital W is the set of whole number. Whole number. उसी तरह से कैपिटल क्यू इट इज सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड आर कैपिटल आर इज द नोटेशन ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर इरेशनल देखो स्टूडेंट्स आर कैपिटल आर क्या है सेट ऑफ रियल नंबर अगर कोई नोटेशन आपको दिखा समझो ये एक्सक्यूज मी सर हाँ सर कभी सेट के इरेशनल नंबर होते हैं क्या सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी होता है यस हाँ देखो लेकिन ज्यादा यूज हमें नेचुरल होल रैशनल रियल कॉम्प्लेक्स यहाँ तक ही होता है सी The set of complex numbers. अगर एक कोई नोटेशन है स्टूडेंट इस तरह से P belongs to Q. P belongs to Q अगर कोई नोटेशन है तो इसका मतलब क्या है P ऐसा एक नंबर है जो कि रैशनल नंबर है P belongs to एक ऐसा नंबर है जो कि रैशनल नंबर है रैशनल नंबर की डेफिनेशन कैसे होती है देखो इसमें आई आई कैपिटल आई किससे यूज करते हैं इंटीजर्स के लिए यूज करते देखो एक नोटेशन है सेट्स एंड रिलेशन में रैशनल नंबर क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू आई एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो जो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होता है उसे रैशनल नंबर कहते हैं जिसमें P Q बिलोंग्स टू I P और Q क्या होते हैं रैशनल होते हैं और Q क्या होता है नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है ऐसे नोटेशन होता है स्टूडेंट्स नंबर रिप्रेजेंट करने का जिसमें ये नोटेशन यूज होते हैं नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए N सेट ऑफ नेचुरल W सेट ऑफ होल नंबर Q set of rational numbers r set of real numbers c set of complex numbers i set of integers is notation ka use karke bhi bahut sari term mathematics mein define karte ho yes that is the next ayush so dekho students this is about the set now we discuss about the representation of a set सर दोन मिनट हाँ अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं
सर क्यू का मतलब क्या है? क्यू मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर। ऋषिकेश सर सर वो पूछने के लिए ऑन कर रहा है माइक तो। ओके ओके मैं बाकी स्टूडेंट को डिस्टर्ब ना हो जाए। डियर स्टूडेंट्स आपका जैसे क्वेरी हो जाए उस टाइम पे आप आपका माइक ऑफ कर दिया कीजिए। क्वेश्चन हो या आंसर हो उसी टाइम पे इमीडिएट माइक ऑन करना है फिर उसके बाद में इमीडिएट उसको ऑफ करना है। राइट डाउन फर्स्ट वन रोस्टर मेथड। इन दिस मेथड हियर स्टूडेंट्स रोस्टर मेथड मीन्स इन दिस मेथड we represent the elements are listed or tabulated They are separated by commas and enclosed in curly bracket. देखो स्टूडेंट ये जो रोस्टर मेथड है इसमें एलिमेंट्स जो है वो लिस्टेड होते हैं या एलिमेंट जो होते हैं वो टेबल फॉर्म में होते हैं एंड एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन अ कर्ली ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल सेट ए ए ई आई ओ यू सेट बी 3 7 11 15 सी 2 4 6 8 सेट डी 2 3 5 7 11 11 13 दीज आर एलिमेंट्स आर लिस्टेड और टैबुलेट। और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर मेथड। In this method, elements are represented by. In this method, elements are represented by their characteristic properties. एलिमेंट्स जो होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के माध्यम से डिनोट करते हैं। डायरेक्टली एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं
तो देखो इस सेट ए को रोस्टर मेथड में ए ई आई ओ यू का यूज करके हमने रिप्रेजेंट किया। सेट बिल्डर मेथड में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स एक्स आर वर्ड ब्लर हो रहा है। नहीं आपके साइड से कुछ ये होगा प्रॉब्लम होगा। सेट ए है ए ई आई ओ यू, ये क्या है? इंग्लिश अल्फा के बिट के वॉवल्स है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल है। तो सेट बिल्डर मेथड में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स आर वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखो स्टूडेंट्स, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स आर वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखो स्टूडेंट्स, दिस इज ये सेट ए है। सेट बी क्या है? देयर आर 3, 7, 11, 15 odd numbers. एक ए थ्री ए एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है 4 है और जो नंबर्स है 3 और 15 के बीच में है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और 4x माइनस 1 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। देखो डिफरेंस b इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट 4x माइनस 1 एंड 1 is less than or equal to x is less than or equal to 1 is less than or equal to x is less than or equal to 4। एक x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं आप तो पहला एलिमेंट मिलेगा, x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो सेकंड एलिमेंट मिलेगा। x की वैल्यू किन कौन से नंबर है 1 और 4 के बीच में? x का जो वैल्यू है वो है 1, 2, 3, 4। इस फॉर्मूले में अगर x की वैल्यू आप 1 पुट करते हैं तो 4 1 4 - 1 अगर 2 पुट करते हैं तो 4 2 8 - 1 7। x की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं 4 3 12 - 1 11। x की वैल्यू अगर 4 पुट करते हैं 4 4 16 - 1 15। देखो वही सेट b को हमने सेट बिल्डर मेथड में कैसे रिप्रेजेंट, इसको रीड कैसे करना है? B इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, B इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 4x माइनस 1 एंड 1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 4। जो x है it takes the values between 1 एंड 4 including 1 एंड 4। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज सेट B। सेट सी क्या होगा? देखो स्टूडेंट, इसी सेट सी को अगर हम सेट बिल्डर मेथड से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, सी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसमें वाई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप वाई सी लेना है। सेट इज द सेट सी इज द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज 2y एंड 1 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 4। From my side there is no problem at all on the screen. It is clear. That's clear, sir. Okay, okay. Very sir. अभी देखो students. मोबाइल वाला नहीं, पप्पा लिया था लोगे मोबाइल आने
चैतन्य आपका माइक बंद कीजिए। सेट्सी को हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से कैसे यूज कर सकते हैं? सेट्सी इज द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट 2y, y की वैल्यू क्या है 2y और y ranges between 1 and 4, y ranges between 1 and 4. अभी सेट बिल्डर मेथड में d को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? D is the set of all p such that p are prime number. Prime numbers and is less than or equal to 13. P is less than or equal to 13. Set D a prime numbers का set है जिसमें जो प्राइम नंबर है वो 13 से लेस देन और इक्वल टू है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम तो देखो स्टूडेंट इस तरह से हम हेलो सर हाँ यस यस सर जो रोस्टेड मेथड है उसके अंदर इन द मेथड एलिमेंट्स आर लिस्टेड और टेबल वो टीसी जो वर्ड है वो क्या लिखा है सर टैबुलेटेड दे सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट जो एलिमेंट होते हैं इस मेथड में दो एलिमेंट के बीच में कॉमा आता है और एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज्ड किया जाता है एक्सक्यूज मी सर हाँ यस सर मुझे बिल्डर मेथड नहीं समझ में आई बिल्डर मेथड में एलिमेंट्स जो है एक्चुअल एलिमेंट्स के बजाय उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं देखो अभी आपका नाम बताओ मुझे सर वैभव भूसारी इज योर नेम और आपको दो मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक पहले है वैभव घुसारे गंगापुर नाम से और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है आपका देर इज एक्स स्टूडेंट फ्रॉम गंगापुर विच इज गोइंग मूविंग फ्रॉम 10 टू 11 स्टैंडर्ड एंड प्रिपेयर एनडीए स्टडी एंड इट्स इनिशियल नेम इज वीबी तो एक डायरेक्टली नाम लेने के बजाय उसके प्रॉपर्टी के उसकी स्पेशलाइजेशन है स्पेशलाइजेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर अभी देखो स्टूडेंट इलेवन स्टैंडर्ड के आस्था डिफेंस अकेडमी के स्टूडेंट का सेट है दो तरह से रिप्रेजेंट किया सकता है उसका पूरा नाम एक और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जो आस्था कैंपस में न्यूली एडमिट हुए हैं 2021 में और एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट का सेट तो सेम ही होगा मीन्स सेट बिल्डर मेथड में एक्चुअल एलिमेंट के बजाय उस एलिमेंट समझो 60 स्टूडेंट की बैच है 30 की पहली और 30 की दूसरी तो 60 नाम लेने के बजाय ये पहले मेथड को कुछ लिमिटेशंस है रोस्टर मेथड इसमें 10 20 तक हम लिख सकते हैं कोई हजार एलिमेंट्स हो कोई लाख एलिमेंट्स हो तो रोस्टर मेथड हैव सम डिसएडवांटेजेस टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स इन दिस मेथड क्योंकि हजार लाख में अगर एलिमेंट्स हो तो इस मेथड में हम यूज एक्चुअली लिख नहीं सकते हैं इस मेथड में हम इजीली लिख सकते हैं ये सेट बिल्डर मेथड का एडवांटेज है कि एलिमेंट अगर संख्या में काफी नंबर हो तो हम सेट बिल्डर मेथड में उसको उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम रिप्रेजेंट कर बट ये रोस्टर मेथड में कहीं कम संख्या में अगर एलिमेंट्स हो तो ही हम रोस्टर मेथड में हम उसको रिप्रेजेंट करता है कर सकते हैं तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड
रोस्टर मेथड में एक्चुअल एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करते हैं, और सेट बिल्डर मेथड में उसका रोस्टर सेट बिल्डर में उसके प्रॉपर्टीज का यूज करके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। Now next definition is students Venn diagram. The pictorial notation, pictorial representation of set is called as Venn diagram. सर आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ सर, सर आपका माइक म्यूट हो गया है। सर माइक वेट डियर स्टूडेंट, हेलो वेट आई थिंक सर गॉट अ कॉल वेट डियर स्टूडेंट ओके हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, okay till anyone want to ask something then they can sir yes एनडीए की प्रिपरेशन करने के लिए एनसीईआरटी के रेगुलर बुक पढ़ना बेहतर है या स्पेसिफिक जैसे कि अरिहंत पब्लिकेशन के आरडी शर्मा के बुक्स होते हैं वो देखिए जितनी बुक्स पढ़ी उतना बेटर है कॉन्सेप्ट क्लियर होना वैल्यूएबल है आपको कौन सी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है वो उस पर डिपेंड करता है ओके सर
कॉन्सेप्ट टॉपिक्स वो बेस्ट है और कुछ नहीं, एनसीईआरटी हो, स्टेट बोर्ड हो या अरिहंत पब्लिकेशन हो, कोई भी हो। ओके सर। सर स्कूल बुक प्रोवाइड करने वाले हैं क्या? हाँ, 2 डजन नोटबुक्स है और एक आपका टेक्स्ट बुक का सेट है बोर्ड का। सर नोट्स आप ही देते हो क्या? आप लोगों को क्रिएट करना पड़ते हैं हाथ से क्रिएट किए हुए बेस्ट होते हैं जब टीचर्स पढ़ाते हैं। और आप रेसिडेंशियली रहने वाले हो, आपके इसमें टाइम भरपूर रहने वाला है उसके लिए, और वही बेस्ट होता है। ओके सर। ओके देखिए स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। इस सेट मेथड, इस सेट डिस्क्राइब करने का जो मेथड है, इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन। यस सर, मेरे पास वेन डायग्राम की ऐसी डेफिनेशन है। वेन डायग्राम इज यूज इन द सर्कल टू शो द रिलेशनशिप अमंग द फाइनाइट ग्रुप्स ऑफ द थिंग्स। करेक्ट या रॉन्ग? इफ यस, करेक्ट है, करेक्ट। Venn diagram is known as pictorial representation of set, and this method is invented by the English mathematician John Venn. Therefore, it is called as Venn diagram. And picture elements are represented in circle, triangle, rectangle, etc. तो कौन सा पिक्चर यूज किए जाते हैं वेन डायग्राम में एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करने के लिए? वो जो पिक्चर्स है वो है सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल, ट्रायंगल, आयत। इस शेप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं एलिमेंट्स इस वेन डायग्राम में स्टूडेंट्स। तो क्या एग्जांपल हो सकता है इसमें? समझो सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स है 4, 6, 9। तो वेन डायग्राम में इसको हम एक सर्कल ड्रॉ करके, सेट ए है इसमें 4, 6, 9, इस तरह से इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। This is a Venn diagram, students. Suppose, for example, a set B है, इसमें elements है A, E, I, O, U. तो इस Venn diagram, अगर हम इसको rectangle में represent कर रहे हैं, तो ये set B है, इसमें A, E, I, O, U. इसका use करके हम yes, yes. इसमें अगर यूनिवर्सल सेट इज द डिफरेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट, वो भी मैं आगे जाकर आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर कोई सेट के मोर देन वन सबसेट्स है, कोई सेट के मोर देन वन सबसेट्स है, तो उस केस में हम एक सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, इसको यूनिवर्सल सेट कंसिडर करते हैं। और उसमें जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, नॉट इंटीजर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये जो नेचुरल नंबर के सबसेट होते हैं, तो इसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ये पांचों के लिए रियल नंबर का जो सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल रियल नंबर का सबसेट नेचुरल नंबर भी होता है, रियल नंबर का सबसेट होल नंबर भी होता है, रियल नंबर का सबसेट इंटीजर्स भी होता है, रैशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है। तो रियल नंबर का जो सेट है ये यू, वो यूनिवर्सल सेट होता है इन दिस सभी केसेस के लिए। अगला डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, number of elements in a set.
एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस सर, मुझे समझ में नहीं आया, फिर से एक बार समझाओ ना। अभी देखो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3। होल नंबर का सेट है जिसमें एलिमेंट 0, 1, 2, 3 अप टू n। इंटीजर्स का सेट है जिसमें 0, 1, 2, 3 डैश 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 और -1, -2 डैश डैश डैश। रैशनल नंबर का सेट है जो p अपॉन q के फॉर्म में है, pq बिलोंग्स टू i एंड i इज नॉट एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इज नोन एज इंटीजर। रैशनल इरेशनल q, रैशनल q से डिनोट करते हैं, और इरेशनल दैट इज ir, जो रैशनल नहीं होते हैं उसे इरेशनल कहते हैं, जिसे हम नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का सेट कहते हैं स्टूडेंट्स। तो जो सेट आर है, इस सेट आर जो है इसमें नेचुरल नंबर भी रियल नंबर होता है, होल नंबर भी रियल होता है, इंटीजर भी रियल होता है, रैशनल भी रियल होता है, इरेशनल भी रियल होता है। तो आर इज यूनिवर्सल सेट, आर इज यूनिवर्सल सेट फॉर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल। इन सभी नंबर सिस्टम के लिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ये सभी नंबर सिस्टम के लिए रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है? चैट बिटवीन द टीचर्स, कंसंट्रेट ऑन, डोंट चैट पर्सनली स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स देखिए, आर इज द यूनिवर्सल सेट फॉर दीज सेट्स। रियल नंबर का जो सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है इन सभी सेट्स के लिए, नेचुरल, होल, रैशनल, इरेशनल, इन सभी नंबर के लिए सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, इट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ। समझिए सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है ए, ई, आई, ओ, यू, तो एन ऑफ ए क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट क्या होंगे स्टूडेंट? फाइव। सब प्रोबेबिलिटी में कर रहे हैं। यस, इसका यूज प्रोबेबिलिटी में होता है। देखो स्टूडेंट्स, ये सेट ए है, सेट ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, उस सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं that is known as n of a। suppose a set b hai 5 kya hota hai students, no element in set 0, yes usko kya kehte hai definitely, null set, empty set, null, very nice, null set or empty set, empty set, yes sir. So isme n of b jo hota hai 0। जिस सेट का एन ऑफ बी जीरो है, अगर सेट बी का एन ऑफ बी जीरो है तो बी को हम नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। दिस इज द नोटेशन फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ये नोटेशन एन ऑफ ए, एन ऑफ बी का जो नोटेशन होता है वो स्पेशली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट के लिए हम यूज करते हैं स्टूडेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट,
सेट एंड एम्प्टी सेट इज सेम, और ये जो फाई होता है ये नोटेशन है स्टूडेंट, इट इज नॉट अ सेट। फाई ये कोई नंबर नहीं है, ये कोई सेट नहीं है, इट इज द नोटेशन फॉर एम्प्टी सेट। जिस सेट में एलिमेंट्स जीरो है उस सेट का एक नोटेशन है दैट इज फाई। दिस इज अबाउट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। समझ रहे स्टूडेंट? आई होप दिस फाउंडेशन लेक्चर सीरीज विल बी इज फ्रूटफुल फॉर यू। देखो स्टूडेंट्स, कल का एक मैं ऋषिकेश सर, यस सर, कल एक स्टूडेंट आए थे धुले से, क्या वह ज्वाइन हुए लेक्चर में? धुले के नहीं सर, विजिट करने के लिए आए थे। रामेश्वर ना देखो स्टूडेंट्स, रामेश्वर नहीं, रामेश्वर जाधव तो एडमिशन हो गया उनका, वो आप आज लेक्चर में दिख रहे हैं। नहीं नहीं, वो नहीं है सर। हाँ, रामेश्वर का जो पहले तीन चार स्टूडेंट में ही है, ऋषिकेश सर और मिश्र दोनों फ्रेंड है, दोनों का भी एडमिशन हुआ है। कल एक स्टूडेंट आया था स्टूडेंट एडमिशन के लिए हमारे कैंपस में, काफी सारी फैमिली मेंबर्स के साथ आया था, लेकिन उसका हमने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में हमें उसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम लगा, तो हमने उनको एडमिशन उनका वेटिंग पर रखा है। उनको कहा गया है कि हम अगर आप सिर्फ फीस भरना चाहते हैं तो हम एडमिशन नहीं देंगे, आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, आपका मेरिट भी अच्छा होना चाहिए, ताकि आप आपकी मन में मेहनत करने की, लगन करने की इच्छा भी होनी चाहिए, और आप एनडीए के ऑफिसर बनने के लिए आप में एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कठिन परिश्रम लेने की आपके मन की तैयारी चाहिए, और सैक्रिफाइस करने की, छोटे मोटे चीजों की सैक्रिफाइस करने की आपकी तैयारी हो, तभी आप ऑफिसर बन सकते हैं, एनडीए ऑफिसर। उन कंडीशन में देखो स्टूडेंट, हम एडमिशन दे सकते हैं। थोड़ा सा उनको बुरा लगा, हमें भी कठिनाई लगी कि किसी स्टूडेंट को एडमिशन के लिए वापस भेज देना, लेकिन फिर भी हम उसका एडमिशन नहीं दिया है उसको, हमने 15 डेज का टाइम दिया है। इस 15 डेज के साथ बाद में आप अगर अच्छा प्रिपरेशन करके आते हैं तो ही हम आपको एडमिशन का कन्फर्मेशन देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के टॉप 30 स्टूडेंट्स हम इसमें चुनने वाले हैं। उसमें फीस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, पैसे का कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसमें आपका मेरिट होना चाहिए बस, और आपका आपने जो क्वालिटीज है, आपने जो एफर्ट्स लेने की जो तैयारी है, तो हम उसे परखते हैं। इंटरव्यू लेने के लिए भी कुछ कंडीशंस है, अगर उस स्टूडेंट ने ये नहीं दिया है, अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम पूछते हैं, उस बेसिक क्वेश्चन अगर नहीं है तो ही हम उसका इंटरव्यू लेते हैं। हम पहली बार स्टूडेंट का हमें 80-90% अंदाजा उसके एंट्रेंस एग्जाम से आता है, और बाकी 20% हम डिसाइड करते हैं। अभी जो स्टूडेंट इस लेक्चर में एक्टिव रहते हैं उसे उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास रहता है, उनका इंटरव्यू हम नहीं लेते हैं। जिस केस में हमें लगता है इसका इंटरव्यू लेना जरूरी है तो उनका ही हम लेते हैं स्टूडेंट्स। 10th के परसेंटेज तो इस साल देखने का कोई योर साउंड इज ब्रेक सर, सो ऑडियो इज नॉट कमिंग प्रॉपर्ली। 10th के परसेंट देखने का कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है, क्योंकि 10th के मार्क्स सर योर साउंड ब्रेकिंग Sir, your sound is breaking. Wait. Sir, your sound is not here clearly. You are not audible, sir.
You are not audible. Bad day, students. Thank you, boost your network. Okay, so the information boost up, students. Please, इसपे chat बंद करना है क्योंकि आपका information, आपका introduction secure रहना भी बहुत ही जरूरी है हमारे लिए एक academy बोल के. तो night के marks का 10th के percentage का आपके admission पे criteria नहीं है. तो आपके एडमिशन का क्राइटेरिया पहला है रिटन टेस्ट और दूसरा इंटरव्यू और हमारा ऑब्जर्वेशन. इतनी क्राइटेरिया है. और आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो उसका एडवांटेज है ना आपके लिए. आपका एडमिशन के लिए उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है. उसके एडवांटेज आपको है आपका आगे का जो सफलता का ये चल रहा है जो इसके लिए ये तो इम्पोर्टेंट है. कुछ पूछना चाहते हैं अभी आप? आप पर्सनली भी कुछ डिस्कस करते कर सकते स्टूडेंट्स. तो हम यूनिवर्सल सेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे. इसमें यूनिवर्सल सेट अगर कोई दो तीन सेट एक सेट के सबसेट से है तो उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं. स्टूडेंट्स, रियल नंबर का जो सेट है वो सबसेट है ऑल दिस सेट के लिए. यस, कॉल करो आप 8275-9083. कोई भी अगर आप डाउट डिफिकल्टीज हो तो कॉल कर सकते हैं. कृपया चैट मत करें लेक्चर में. आपके डाउट्स आप कॉल करके पूछ सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. कल के लेक्चर में हम इस फाउंडेशन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं.